लड़कियों से दालगुना कैंडी बनाने के प्रचलन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज मैं बना रही हूँ दालगुना कैंडी। किससे किससे वो आते ना जस जली से ठीक है। तो देखते हैं कि पास होते हैं कि फेल होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जस जली डाल दी पैन में और उसको मैं मेल्ट कर रही हूँ लो फ्लेम करके। और फिर ना मैंने लास्ट टाइम के दो वीडियो शेयर की थी, मतलब थोड़े दिन पहले, एक तो मैंने कच्चा मैंगो बाइट से बनाई थी और एक स्किटल से बनाई थी दालगुना। तो उसमें क्या, मैंने बटर पेपर को ग्रीस करके उस पर वो जो मिक्सचर बन जाता ना वो डाला था, पर वो चिपक जाता। तो आपने कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स किए थे कि ना प्लेट को ग्रीस करके प्लेट पे डालो, बटर पेपर यूज़ मत करो। तो मैंने कहा चलो यार अब की बार इस बार प्लेट यूज़ करके देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है ना। फिर जब एक कैंडी मेल्ट हो गई, जो जली मेल्ट हो गई, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाला और गैस को बंद कर दिया, ठीक है। और फिर इस मिक्सचर में बड़ा चिपचिपा सा मिक्सचर था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, है ना। फिर इसको मैंने प्लेट पे डाल दिया और फैला दिया, फैल भी नहीं रहा था, है ना। फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें मैंने शेप बना दी। मेरे पास यार कुकी कटर तो है नहीं, तो मैं थोड़ा जुगाड़ वाला कर रही हूँ, तो है ना बुरा मत मानना, ठीक है। फिर इसको थोड़ी देर और सेट होने के लिए रख दिया, मतलब थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर सेट होने के लिए रख दिया। क्या हुआ था कि ये ना हार्ड नहीं हो रही थी, तो ये काफ़ी देर सेट होने के बाद भी हार्ड नहीं हुई, तो मैंने कहा यार ये हार्ड होगी नहीं फिर। तो मैंने इसको ना, ये आसानी से निकल भी नहीं रही थी प्लेट पर से, तो मैंने चाकू से करके निकाला इसको। और फिर इसकी शेप भी निकल गई थी और ना इसका टेक्सचर भी और टेस्ट भी पता है कैसा था, वो जो छुपा छुप सा थी ना बिल्कुल वैसा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने ये ट्राई करी और आपको कैसे लगी। मेरे को ना टेस्ट वाइज तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल छुपा छुप जैसी लग रही थी, पर टेक्सचर थोड़ा बना नहीं।